लिखो भाई हेडिंग इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होलो स्फीयर। होलो स्फीयर मतलब बोलो भाई होलो कंडक्टिंग होलो नॉन कंडक्टिंग होलो कंडक्टिंग होलो नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग ये तीन मतलब है इसके। ठीक है तो बताओ भाई सबसे पहले बताओ किसी ऐसे पॉइंट पर बताओ आउटसाइड बताओ आउटसाइड वाले पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा फॉर आर ग्रेटर देन आर किसी पी पॉइंट पे बताओ पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा है ना क्योंकि जब भाई बाहर है तो वो चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है के क्यू बाई आर स्क्वायर तो पोटेंशियल निकालना तो आता ही है ना कैसे निकलता है भाई पोटेंशियल डी वी इक्वल टू माइनस ई वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर डी आर डी एस सब एक ही होता है ना इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आ जाएगा तो पोटेंशियल क्या आएगा आउटसाइड वाले पॉइंट पे के क्यू बाय आर चार्ज के कारण भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी के क्यू बाय आर स्क्वायर पोटेंशियल आता था के क्यू बाय आर तो आउटसाइड के लिए तो ये सब सेम बिहेव करते हैं ना मेन कौन सा पॉइंट है इनसाइड बताओ भाई आर लेस देन इक्वल टू आर के लिए क्या होगा इनसाइड वाले पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा और पी पॉइंट में कहीं अंदर ले लूँ तो बताओ भाई अब बताओ ये कहीं अंदर ले लिया मैंने पी पॉइंट इस पॉइंट पे बताओ पोटेंशियल क्या होगा के क्यू बाई कैपिटल आर तो तुम कह रहे हो कि हर जगह कांस्टेंट है अंदर पोटेंशियल स्मॉल आर के इंडिपेंडेंट है ऐसा होगा क्या ठीक है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा हर जगह सही बात है ना भाई जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहाँ वहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट आएगा ठीक है तो फिर कैसे निकालें अंदर वाले पॉइंट पे ठीक है कांस्टेंट इतना पता चल गया होगा कितना ये कैसे पता करें भाई सरफेस के किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना आएगा सरफेस पे तो ये वाला फॉर्मूला भी काम कर जाएगा ना तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ के क्यू बाई स्मॉल आर था सरफेस पे आर कितना हो गया स्मॉल आर कैपिटल आर तो सरफेस पे पोटेंशियल है के क्यू बाय कैपिटल आर और हम जानते हैं भाई क्योंकि सरफेस यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो हो गई ना तो जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल इनसाइड वाले पॉइंट पे भी होगा पोटेंशियल एट इनसाइड इज नथिंग बट पोटेंशियल एट सरफेस तो इनसाइड वाले पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है तुम्हारा के क्यू बाय आर कैपिटल आर बैठो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊँ पोटेंशियल वर्सेस आर का तो ग्राफ ऐसा आएगा और इसके बाद क्या है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहाँ पर पोटेंशियल के क्यू बाई आर है मतलब अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है और जैसे ही बाहर आएंगे वैसे ही वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक वे में फॉल करेगा देखो कोई डाउट है अगर यहाँ तो सीधी सी बात है भाई सॉलिड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है होलो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वहाँ वहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होगा इसलिए इन तीनों का सेम कैटेगरी में डाल दिया मैंने बिल्कुल सेम है ये तीनों चार्ज के टर्म में बिल्कुल सेम है ये तीनों